हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मेरा बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आया। आप लोगों के बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि जल्दी जल्दी व्लॉग डालो, पर थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं थी और आप देख सकते हैं हाल किस तरह से हुआ हुआ है। 20-25 दिन से बाल दाढ़ी भी नहीं कटवाई है, तो आज अभी तो निरहुआ जा रहा हूँ। फिलहाल थोड़ा सा मेक ओवर करते हैं, दाढ़ी कटवाते हैं और बने रहिए इस व्लॉग में, प्यार दीजिए और थैंक यू सो मच। 1250 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और वॉच टाइम भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपको व्लॉग में ले रहा हूँ। फरमान भाई ने देखो यार भूत से क्या बना दिया। आफ्टर ए लॉन्ग हेक्टिक डे आई एम बैक टू बरानू। निरवा से आया, हेयर कट करा लिया है फाइनली, और आज बहुत सारा काम था मुझे, बैंक में काम था, तहसील में काम था, तो फाइनली वापस पहुंचा और बुरी धूल खा के आया हूँ यार। इतनी धूल है आजकल, इतनी डस्ट है, क्योंकि 7-8 दिन से बारिश नहीं हुई है तो डस्ट बहुत ज्यादा हो गई है। यस, इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। चंद्रयान 3 23 अगस्त यार 6:03 हुए और अभी अभी लैंड हुआ चंद्रयान 3। यार 615 करोड़ का बजट था सिर्फ, जिसमें एक मूवी नहीं बनती, आदि पुरुष जैसी घटिया मूवी नहीं बनी उसमें, 700 करोड़ की बनी। लेकिन यार वैज्ञानिकों ने करके दिखाया गाइस। और अब कुछ दिनों में क्या होना होगा कि लैंडर जो है, जो लैंडर है वो अलग हो जाएगा उससे, रोवर। लैंडर आपको पता है विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, तो जहाँ पे ये लैंड हुआ है ना पॉइंट, उस पॉइंट को कह रहे हैं शिव शक्ति पॉइंट, तो वहाँ से अब एक्सप्लोर करेगा चांद पर क्या है, वहाँ पर जीवन है, पानी है, ये है वो है, तो यार बहुत खुशी की बात है। और उम्मीद है कि सल्फर भी मिलने की संभावना है वहाँ पर, और सिल्वर, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, तो बहुत बड़ी जीत है। चंद्रयान 1 हुआ था, 2 हुआ था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था पूरी तरह से, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, लेकिन ये हो चुका है सॉफ्ट लैंड, तो यार बहुत खुशी की बात है और बहुत मज़े आ गए। सीरियसली बहुत प्राउड फील हो रहा है अभी। यार मुझे आज मिली है बचपन की बहुत ही पुरानी डायरी, मैं दिखाता हूँ आपको इसमें क्या क्या है। आप लोग ना मेरी कमेंट्री पसंद करते हैं और जिस तरह से मैं चीज़ों को राइम करता हूँ, लेकिन ये टैलेंट मुझ में बचपन से है। देखो 2005 में मैंने एक पोइम लिखी थी, मामा का घर। मामा का घर है सबसे न्यारा है, यहाँ सब कुछ प्यारा प्यारा, अब यहाँ आ गई है सड़क, अब कनेक्टर करेगा पैसे हड़प, यहाँ को कहते हैं धार, मार्च में चलेगी सफ़ेद कार। इस तरह की पोइम है, आप पॉज करके देख सकते हैं। एक ये है, मुलायम मुलायम ठंडी ठंडी बर्फ़ गिरी है आज, आग के पास बैठकर लोगों ने छोड़ दिया है कामकाज, लोगों ने छोड़ दिया है घर से बाहर आना, खिड़की से ही देख रहे हैं सुंदर नजराना, जीव जंतु ठिठुर रहे हैं ठंड से, लोग पी रहे हैं शराब घमंड से। चुटकुले भी लिखे थे जो अमर उजाले में भी आए थे, आई हैव कटिंग ऑल्सो। देखो मैंने जैसे डायलॉग बनाए थे, डॉक्टर साहब मैं आपकी दवा, भगवान अपनी बीवी की दुआ और भगवान की दया से बिल्कुल ठीक हूँ, इस तरह से मैंने ये सब अपना बनाया है मैंने। और एक पुरानी मूवीज़ होती थी जो उसको मिला के मैंने बनाया है, जैसे जिसमें ये आपको रेड में दिख रहे हैं ना, ये सब मूवीज़ के नाम है। और एक मैंने पूरी स्टोरी बना दी, जैसे जा क्रिश भाग कर जा और कह दे बबली से कि उसका बंटी उसे चोरी चोरी चुपके चुपके अपना बनाएगा, उसे कह दे कि तेरे लिए ये दिल आशियाना है और वो डरे ना क्योंकि मैं हूँ ना। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं इसको, बहुत ही मज़ेदार है यार। ये देखो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, मज़े आ जाएगा आपको। एक छोटे बच्चे ने जिस तरह से लिखा है, ये देखो अमिताभ और बॉलीवुड 11 का मैच, क्रिकेट मैच मैंने लगाया था, कालिया की पहली गेंद ब्लफ मास्टर के लिए, वो गेंद समझ नहीं पाया उस गेंद को जाने दिया फिर कीपर ने। तो यार ये क्रिकेट और कमेंट्री का पहले से ही ना मैंने बचपन से ही वो किया था। देखो बहुत मज़े आएंगे आपको, आप इसको पूरा देखोगे तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने पहाड़ी में भी एक पोइम बनाई थी कहानी टाइप की, छोटू मोटू डे बाजार हाथ पकड़े और दोनों यार, मोटू था बला बड़ा बलवान, नहीं जानो था से कोई काम, छोटू था बड़ा होशियार, नहीं कर सको था से मक्की रवि जी का। और ये मेरे जब मैं 12th में था सेकेंडरी स्कूल निरवा में, तो मैंने एक पोइम लिखी थी जो वहाँ पर कवर में छपी थी, जीसस निरवा इज माई स्कूल, इट्स नाइस बिकॉज देर इज़ अ वेरी गुड रोल इन माई स्कूल, देर आर 30 टीचर्स, ऑल दिस आर बेस्ट विद गुड। तो ये इस तरह की एक, मेरी हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन मैंने एक ये पूरी पोइम बना के लिखी थी। यार हम लोग दवाइयों के लिए आए हैं, कौन सी दवाई है संजू भाई? ये घास वाली, घास सुखाने वाली,
ग्रोमैक्स। हम एक्चुअली टूर्नामेंट कराने की सोच रहे हैं, तो इस बार क्यारियों में स्प्रे करेंगे ताकि घास सूख जाए, फिर उसको जला के अच्छा सा ग्राउंड बने। दास्ता जी के घर आए थे, हमारे प्रधान साहब के घर। वाह, 4x4। ये हमारे कैशियर साहब है, और जैसे आपको पता है कि सीसीबी सबसे बड़ा क्लब है डिस्ट्रिक्ट शिमला का। कौन चेयरमैन? तो हमारी स्प्रे बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है। इस खेत में पिच बनती है, आई एम सो एक्साइटेड यार। और हमारे जो क्लब के बंदे हैं ना, वो इस क्लब की जान है, क्योंकि 70-80 एक्टिव मेंबर्स हैं। आज तो 6-7 ही आए हैं। ये है हमारा सीसीबी, संजू भाई स्प्रे कर रहे हैं, और साथ में हमारे सुपरवाइजर अजय सिसोदिया जी पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। ये देखो ग्राउंड गाड़ी के साथ ही है बिल्कुल यार, और जब ये तैयार हो जाएगा ना, बहुत ही प्यारा लगेगा। 6-6 फीट के हो गए हैं यार ये घास। क्या लग रहा है आपको? तपती धूप में काम करने का मोटिवेशन बस क्रिकेट से ही आ रहा है यार। और पिछली बार तो इससे भी बुरा सिनेरियो था, 15 दिन हमने काम किया था, कांटे भी थे और कुम्मर थे। गुड मॉर्निंग ऑल, टुडे इज 29th of August एंड टुडे इज नेशनल स्पोर्ट्स डे। सभी को बहुत बहुत मुबारक, और मैं तो एक स्पोर्ट्स मैन हूँ, तो जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के भाई हैं उनको ये दिन बहुत स्पेशल होता है। और ये मनाया जाता है बर्थडे एनिवर्सरी पर मिस्टर मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी लेजेंड थे और 3 ओलंपिक गोल्ड उन्होंने इंडिया को दिलाए थे, और हिटलर ने भी उनकी तारीफ की थी यार। तो हर साल यहाँ पे मैराथन होती है निरवा में, पर इस बार नहीं है, लेकिन मिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हम करना चाहेंगे स्पोर्ट्स डे पर। और पीछे देखो मेरी शक्ल, डू ही लुक लाइक मी? हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। आज है 30 अगस्त और आज है रक्षाबंधन। तो गाइज इस बार क्या हुआ ना कि भद्रा की दशा है, तो 9:05 पर समाप्त हुई है, तो अब हम 9:30 बज रहे हैं, अभी हम राखी बांधेंगे। तो फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि शाम को राखी बांध रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, या सुबह 7 बजे का मुहूर्त था, लेकिन गुड़िया बोलती मुझे तो सोना है 7 बजे तो अभी बांधेंगे हम राखी। और बाकी जितनी भी मेरी बहनें हैं उनको, उन्होंने मुझे राखी भी भेजी है, तो उनको सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। यहाँ ये है मेरी राखी। नाइस, वाह गणपति जी बने हुए। थैंक यू, और पैसे तो ऑनलाइन भेजूंगा गूगल पे। तो यार मैंने टाई कर ली है राखी, थैंक यू सो मच ऑल, और सभी को एक बार फिर से हैप्पी रक्षाबंधन। मम्मा आप कुछ बोलना चाहोगे अपने भाइयों को जो व्लॉग देखेंगे? मेरे सभी भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान उनकी रक्षा करें। ओके, तो ये था हमारा रक्षाबंधन, शाम के टाइम सभी पेंड आज राखी बांध रहे हैं। तो सभी को, सभी बहनों को, भाइयों को, पूरे हिंदुओं भाइयों को बहुत बहुत एक बार बधाई मेरी तरफ से, और इस चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। इस चैनल को आप कीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा। ये व्लॉग थोड़ा लेट आ रहे हैं आजकल, लेकिन जल्दी से जल्दी मैं जब शिमला जाऊँगा कुछ कॉन्टेंट आएगा, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि मैं अच्छा कॉन्टेंट आप लोगों को दूँ, चाहे थोड़ा सा लेट आए बट अच्छा कॉन्टेंट आए। तो आप बहुत प्यार देना इस चैनल को हमेशा की तरह। बाय बाय। एक मिनट, अपने सारे सब्सक्राइबर्स को मैं जल्दी जल्दी कहना चाहूँगा कि हल्का खाना खाए, भारी मत उठाए, और अपना ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि 9वां महीना लगने वाला है। हैप्पी सितंबर।